जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉल्जर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर काफ़ी बड़ा अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर जो नई वैकेंसी आई है टेक्निकल एंट्री स्कीम 45 के अंदर, दोस्तों अब बिना किसी एग्ज़ाम से कोई एग्ज़ाम आपकी नहीं होगी, बिना किसी परीक्षा फीस के आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारी इसके अंदर हम देने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए भारतीय सेना की तैयारी करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी जो कैंडिडेट को इन्वाइट किया गया है वो है सिर्फ और सिर्फ अनमेरिड मेल कैंडिडेट, जिन्होंने 10th+2 यानी कि 12th पास कर लिया, जिसमें उनका सब्जेक्ट रहा हो PCM, जिसमें 70% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बातों का ध्यान रखें, अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। जिसके पास PCM सब्जेक्ट है 70% मार्क्स है तो वो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको अनमेरिड होना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया आपका 16 से 1950 वर्ष तक लास्ट आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर बोर्न डेट की अगर हम बात करें तो 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका एज क्राइटेरिया, इसके अंदर आपकी बोर्न डेट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया की दोस्तों अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली कैंडिडेट हैव पास 10th+2 एग्जामिनेशन, अगर आपने पास किया साथ में 70% मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स यानी कि PCM से अगर आपने 12th पास किया है जहाँ पर आपका 70% मार्क्स आपने प्राप्त किया है परसेंटेज, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड में अगर आपका नाम आता है तो आपका नियर बाय जो भी सेंटर रहेगा आपको आगे जानकारी देने वाले, कौन सा सेंटर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी हुई है, इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना देंगे अगर आपका प्यार और सपोर्ट इस वीडियो पर अच्छा रहता है तो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें 90 वैकेंसीज यानी कि 90 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि प्रोविजन चेंज जो कि ट्रेनिंग सेंटर पर अभी समय के साथ इसको कोई बदलाव भी इसमें किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पर अगर हम टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन 4 ईयर कोर्सेज, 4 साल का आपका कोर्स होता है जिसमें ऑफिशियल रैंकिंग की आपके परमानेंट कमीशन की तरफ से ये यहाँ पर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि जो ट्रेनिंग रहेगी आपकी, टोटल ट्रेनिंग होगी 5 साल की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर सबसे पहली ट्रेनिंग होती है 1 ईयर की, OTA गया मतलब ऑफिशियल ट्रेनिंग गया के अंदर होती है। इसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग की जब फेज फर्स्ट होता है उसके बाद जो कि 3 ईयर का रहता है, इसके अलावा सेकंड फेज जो होता है 1 ईयर का रहता है, जो कि मैं हूँ इसके सिकंदराबाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका होने वाला है। आप देख सकते हैं ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके अलावा अगर हम सैलरी बेस की बात करें दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की भी आगे आपको जानकारी देने वाले हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि नॉर्मल सैलरी जो आपकी यहाँ पर रहती है, स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपये से रहती है, जो कि हाईएस्ट आपकी रैंक वाइज रहती है, जैसे आप डिपेंड करते हैं आप कौन सी रैंक पे, आपकी परफॉर्मेंस बेस पे यहाँ पर आपका प्रमोशंस होता है। प्रमोशन आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पोस्ट जैसे मेजर, LT, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, इतनी सारी पोस्ट होती है। हाईएस्ट सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,50,000 पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी होती है। दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे भी यहाँ पर आपको दिया जाता है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन ग्रांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है, इस नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट डेट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके पहले हम आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे कि कौन कौन से कैंडिडेट कब तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 फरवरी से लेकर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 1 फरवरी 2021 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 2 मार्च तक रहने वाली है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिनके पास PCM सब्जेक्ट है, आप कमेंट में पूछते हैं कि क्या PCM इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दें कि PCM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। बायोलॉजी वाले कैंडिडेट किसी भी स्ट्रीम से अगर आप है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते, यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इसमें आवेदन जरूर करें। अब दोस्तों बात आती है सबसे मेन टॉपिक की, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड में अगर आपका नाम आता है तो आपको यहाँ पर जो सेंटर दिया जाएगा, जो भी ऑन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे उन्हीं के यहाँ पर, जैसे कि आप मध्य प्रदेश से, आपका सेंटर यहाँ पर भोपाल में रहने वाला है, मध्य प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका भोपाल सेंटर रहेगा, बेंगलुरु कर्नाटक को बेंगलुरु मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते पंजाब का
भी दिया गया है, इलाहाबाद यूपी में रहेगा, सिलेक्शन सेंटर ये हैं। यहाँ पर आपको जो भी आप स्टेट के अंदर आते हैं या आप दूसरे स्टेट से, तो आपको जो शॉर्ट लिस्टेड में अगर आपका नाम आता है तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म ईमेल कर दिया जाता है यहाँ से, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है, क्लियर स्टेज करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा आपको जो भी डेट, काफ़ी सारे यहाँ पर टेस्ट होते हैं जो कि 4-5 दिन का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाता है। अलग अलग डेज अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप यहाँ पर भारतीय सेना में ऑफिसर रैंक की पोस्ट पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के स्टूडियो में हमने परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था, टी एस मतलब टेक्निकल एंट्री स्कीम 45 के अंदर, जिसमें 10th+2 12th पास कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी। इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई कंप्लीट जानकारी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।